ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे आइडिया नहीं था कि उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा जिम जाकर। हाँ सही कह रही हो, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। सब पता था फिर भी तुमने उसे मशवरा दिया, बेहोश तो होना था उसने। अरे सुहा तुम बैठो आराम से, मैं जूस लेके आती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? इसके लिए क्यों ला रही हो जूस? मुझे बेहोश हुई है उसे दो, इसका थोड़ी बीपी लो होगा। हाँ बल्कि हो गया होगा वैसे, अब तो मम्मी कितनी बातें जो सुनी। बस कर दे मोहसिन भाई, मैं नाजो को जूस दे आई हूँ और उसी ने मुझे कहा है कि मैं आपको भी पूछ लूँ यहाँ पे आके। वो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है और अब घर पे ही एक्सरसाइज करेगी, वो सबके सामने कुछ नहीं हुआ, ठीक है? ला दो बाकी शायद बीपी लो ही ना हो जाए। हो गया हो गया, बैठो बैठो। कोई जरूरत नहीं है सोहा का एहसान लेने की। क्यों अम्मी, आप जानती हैं कि मेरे शौहर को नौकरी की सख्त जरूरत है, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, अब कब तक मोहसिन भाई पे बोझ बने रहेंगे? तो कहीं और जॉब कर लेते, सोहा का एहसान लेने की क्या जरूरत थी? अब सारी जिंदगी उसके एहसानों तले दबके रहना पड़ेगा। तुम ना मेरे जाती मामलात से जरा दूर ही रहो, तुम्हारा मशवरा नहीं मांगा अभी मैंने, और जब मैं चली जाऊंगी यहाँ से तो सब ज्यादा खुश तुम ही होगी, मुझे पता है। तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो बतूल, अभी तो जॉब मिली नहीं है तो तुम इतना तरा रही हो। मिल जाएगी जॉब और जरूर मिलेगी, मुझे अपने अल्लाह पे ना पूरा भरोसा है, और फिर मैं अपनी बच्चियों को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। भाभी देखें, भाई मेरे लिए किताबें लेकर आए ताकि मैं अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर सकूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस तुम ऐसा करना कि अब कल से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना, कोई टाइम वेस्ट किए बगैर। कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? ये तो और भी अच्छी बात है, इस दफा एग्जाम्स के लिए ज्यादा मेहनत से पढ़ना ताकि और अच्छे मार्क्स आए इंशाल्लाह। और हाँ, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो, वैसे भी सारा दिन फारिग ही बैठी होती हूँ ना, तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मुझे कोई भी मदद चाहिए होगी मैं आपके पास आ जाऊँगी। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, मैं आपके लिए जूस बना कर लाती हूँ, सही है? अरे नहीं, अभी सुबह ही तो जूस पिया था। भाई ने मुझे सख्ती से बोला कि भाभी को एटलीस्ट दिन में 3 दफा जूस देना है, इसलिए मैं बना कर लाती हूँ। प्लीज अभी आप बैठ जाए, सही है? आप आराम करें, बस मैं 5 मिनट में आती हूँ। अच्छा ठीक है। सुनो जी, तुमने तो अच्छा खासा वेट लूज कर लिया है, तुमने अपना वेट चेक किया है? जी भाभी, मैंने पूरा 2 kg वजन कम किया है, और आपके बताए हुए डाइट प्लान को फॉलो कर रही हूं और एक्सरसाइज और वॉक दोनों पाबंदी से कर रही हूं। दैट्स अमेजिंग, तुम्हें ऐसे देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। अभी अभी मुझे और भी ज्यादा स्मार्ट होना है, पूरा 10 kg वजन कम करना है। और ये सब मैं इसलिए नहीं कर रही कि मेरा कहीं अच्छी जगह से रिश्ता आ जाए, ये सब मैं अपनी ग्रूमिंग के लिए कर रही हूं। मैं आप ही की तरह अच्छे रिश्ते की तलाश में ख्वार नहीं होना चाहती, मैं अपने आप को ग्रूम रखना चाहती हूं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूं, अपनी जिंदगी को बामकसद बनाना चाहती हूं। आप ही की तरह ऐसा से कमतरी का शिकार हो कि मैं दूसरों की जिंदगी अजीरन नहीं कर सकती। वाओ, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो, यकीन नहीं आ रहा आज कि ये वही नाजो है। और ये सब भी सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और मुझे फख्र है कि मेरे पास आप जैसी भाभी है। आई रियली लव यू सो मच। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। अभी हम लोग अपने घर जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, ठीक है? वो बरकत साहब है ना, उन्होंने होटल के बराबर में एक जगह देखी है बहुत अच्छी सी, आधा किराया होटल से मिलेगा और आधा हम लोग मैनेज करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सब कुछ तुम्हारी दुआओं और तुम्हारे नसीब की वजह से हुआ है। अच्छा भाई, वो सुहा भाभी कहाँ, उन्हें बुलाए, उनको भी तो मिठाई खिलानी, सब कुछ उनकी वजह से है, उनकी मेहरबानी की वजह से मुझे नौकरी मिली है। हाँ वो मैं उनको बुलाती हूँ ऊपर कमरे में। तुम लोग यहाँ बैठो, मैं ये मिठाई तुम लोगों की नानों को खिला के आता हूँ। लीजिए आप भी मिठाई खाइए।
मैं मीठा नहीं खाती, परहेज करती हूँ। मैं जानता हूँ आप परहेज करती हैं, लेकिन अगर आप खा लेंगी ना तो मेरी खुशियां दोबाला हो जाएंगी। आपको मुझसे शिकायत थी कि मैं काम नहीं करता हूँ, अब तो मुझे नौकरी मिल गई है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को भी खुश रखूंगा और अपनी बच्चियों को भी। ये ले। हाँ भैया, अपने बलबूते पर नौकरी ढूंढते तो कोई बात भी थी, तुमने तो बहू के एहसान तले दबा दिया हमें। नाक कट गई हमारी बहू के मैके वालों के सामने। हमारे खानदान में बहुओं से एहसान लेने का दस्तूर नहीं है। सारी उम्र हम दबके रहेंगे सिर्फ तुम्हारी वजह से। अपने वो शूज रखे थे तुम लोगों ने? अम्मी वहाँ पे गार्डन तो बना, हम वहाँ पे खेलेंगी। हाँ, जो हमारा अपार्टमेंट है ना उसके साथ एक प्लेग्राउंड है, तो वहाँ पे रोज बाबा कहोगे वो सैर कराने लेके जाएंगे। ठीक है, ये। तुम क्यों खड़ी हो यहाँ पे, अंदर आओ ना। कुछ हेल्प करवा दूँ आपकी? अरे नहीं नहीं, सब कुछ हो गया, बस खालिद का इंतजार कर रहे हैं। ये तो बच्चियों ने ऐसी चीजें निकाल दी थी बाहर, और तुम्हारे तो आराम करने के दिन है, तुम क्या कर रही हो? अरे लेकिन आप लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, मैंने तो डिनर की तैयारी भी कर ली है। क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की, मोहसिन भाई की और तुम्हारे पहले इतने एहसान आते हैं हम पे। इसमें एहसान की क्या बात है, आप लोग हमारे अपने हैं और अपनों के लिए इंसान जो कुछ करता है वो उसका फर्ज होता है। ये तो मेरा फर्ज है, और आप लोग डिनर किए बगैर आज कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि कुछ दिनों में हम भी ट्रीट लेने आएंगे जॉब की। जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी, आना। पता सोहा, तुम बहुत अच्छी हो, मेरे दिल से तुम्हारे लिए बहुत दुआएं निकलती हैं, और अपने भाई की पसंद बहुत नाज है मुझे। बस तुम अपना ख्याल रखना, मैं रोज तुम्हें फोन करूंगी और चक्कर भी लगाऊंगी, ठीक है? बिल्कुल, चलें आप पैकिंग करें, मैं आप। ठीक है। अरे ये तो पहले तुम लोगों ने तो बैग में फिर क्या डाला है, अगर चीजें बाहर है सारी तो दिखाओ।